कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। सो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिएटिव डॉल्स वर्ल्ड पे। तो बहुत दिनों से हमारी विलेज वीडियोस में उतने खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप सब विलेज वीडियोस देख देख के थोड़ा बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ अलग वीडियो लाई हूँ, यानी मेरा हाउस टूर, मेरा रूम टूर वीडियो। वैसे काफ़ी वीडियोस में कुछ कुछ कमेंट भी आते थे कि आप अपना रूम टूर लाइए, हाउस टूर लाइए, तो इसीलिए मैं आज आप सबके लिए लेके आ गई हूँ। पर आज मैं रूम टूर लेके आई हूँ मेरे नए नवेली रूम का। हाउस टूर तो अभी मेरा घर बन के अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है, एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीज़ रहती है यहाँ वहाँ करने के लिए। तो चलिए अब हमारे रूम टूर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका आधे से ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया बोलते बोलते, एंड आई नो कि आप सब बोर भी हो गए होंगे, और वीडियो मुझे ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई न्यू रूम टूर। सो गाइज, ये है मेरी डॉल का टोटल पूरा रूम। तो मैं आपको एक बार ऐसे दूर से दिखा देती हूँ, फिर अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी। तो चलिए फिर रूम टूर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ शुरुआत पे आता है एक हैंगर जिसके ऊपर एक डॉल का पर्स रखा हुआ है। तो ये एक रोज़ वाले हैंगर पे डॉल का ये पर्स रखा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, ये पर्स जो है मैंने ही बनाया है डॉल के लिए, और ये पर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सो आगे जो है ये एक टोकरी रखी हुई है, बास्केट, जिसके ऊपर डॉल के थोड़े बहुत सामान हैं, मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ। तो बास्केट के ऊपर जो है ये वाला एक पर्स रखा हुआ है जो कि ग्रे और ब्लैक कलर में है। इस पे एक रोज़ भी बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट पर्स है। चलिए पर्स को उसके जगह पे रख देते हैं। पर्स के बगल में है एक टेडी बियर जो कि डॉल का बहुत ज़्यादा फेवरेट टेडी बियर है। ये टेडी बियर कितना ज़्यादा क्यूट भी है वैसे, तो आप देख सकते हैं। चलिए टेडी बियर को भी जगह पे रख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे तो ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, बस एक डॉल का कोम्ब रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा पुराना टाइप में है, और उसके आगे एक मिरर है। तो ये मिरर मैंने ही बनाया है डॉल के लिए, और मिरर और कोम्ब के आगे जो है इंडिया का एक फ्लैग रखा हुआ है जो कि मैंने रिपब्लिक डे के दिन बनाया था। उस दिन मैंने वीडियोस भी पोस्ट की थी। तो ये सब सामान जो है बास्केट के ऊपर है। अब हम बास्केट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या रखा है। वैसे बास्केट का कलर येलो है और नीचे से रेड है। तो चलिए बास्केट को ओपन कर लेते हैं। तो बास्केट ओपन करने के बाद इसके अंदर डॉल का एक पिलो रखा हुआ है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत बड़ा सा पिलो है, एकदम सॉफ्ट सा। ये मैंने ही बनाया है वैसे डॉल के लिए। और ये अंदर एक ब्लैंकेट रखा हुआ है डॉल का। वैसे अभी तो गर्मी आ गई, लेकिन तो भी ये अंदर ऐसे बास्केट में रखती है डॉल, कभी अगर काम आ गया ब्लैंकेट तो वो यूज़ करती है। और सोते टाइम में डॉल अपना ये पिलो निकाल के सो जाती है उसके ऊपर। चलिए बास्केट को मैंने बंद कर दिया है, अब हम उसकी जगह पे रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब ने डॉल का ये वाला बास्केट तो देख लिया है, अब हम डॉल का बेड देखते हैं जो कि बेडरूम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बेड को देखते हैं। तो बेड के ऊपर जो है छोटे मोटे कुछ सामान रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो एक डॉल का मिकी माउस वाला मैजिकल पिलो है जो कि इसमें यहाँ से वहाँ स्टार जा सकते हैं वैसे टाइप में। और उसके बाजू में है मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ जो कि है ये प्यारी सी यूनिकॉर्न, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। वैसे मुझे स्लाइम के साथ मिली थी, मैंने स्लाइम की रिव्यू भी करी थी, तो आप सबने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके फटाफट से देख लीजिए। और पोनी के बाजू में है डॉल का ये फ़ोन। तो डॉल का फ़ोन अभी यहीं पर रखा हुआ है, फ़ोन तो मैंने ही बनाया वैसे डॉल के लिए। और फ़ोन के बाजू में है डॉल का ये क्यूट सा आई मास्क जो कि मैंने बनाया है, एकदम रियलिस्टिक टाइप में लग रहा है। तो मैं आपको ये डॉल को पहना के दिखाती हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो जैसा आप सब देख सकते हैं डॉल पे कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और फनी भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा प्यारा है।
अरे मुझे अंधेरे में क्यों रख दिया, खोलो ये, खोलो। अरे सॉरी सॉरी डॉली, चलिए आई मास्क को यहाँ पे रख देते हैं। तो अब हम देखते हैं डॉल का ये प्यारा सा बेड। सो ये है मेरी प्यारी सी डॉल का प्यारा सा बेड, जो कि एक किंग साइज़ बेड है। क्वीन साइज़ तो इससे भी बड़ा हो जाता है, तो ये किंग साइज़ बेड है। और इस पे एक प्यारा सा जो है चादर बिछाया हुआ है, बेडशीट जो कि वाइट कलर में है, और इसके ऊपर कुछ ऐसे फूल के पेंट बनाए गए हैं। और ये ऐसे वेवी टाइप में हैंडकरचीफ था, तो मैंने इसके डॉल के बेडशीट बना दिया, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट वाला बेडशीट है जो कि पर्पल कलर में, और उसके ऊपर ऐसे कुछ फ्लावर बने हैं कलरफुल। और बेड का जो ये वाला पार्ट है ये रेड कलर में मैंने पूरा प्लेन रखा है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं दिया मैंने। और हाँ, सबसे मेन बात, बेड पे जो है दो डॉल्स आराम से सो सकती है। एंड यहाँ थोड़ी सी जगह बच जाती है छोटी सी बेबी डॉल के लिए, यहाँ साइड में एक छोटी सी बेबी डॉल भी सो सकती है। तो टोटल मिला दो बड़े लोग और एक छोटी लोग सो सकते हैं इस बेड पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेड की यहाँ पे जो है कारपेट रखा हुआ है जो कि ऐसे हार्ट शेप में है, बटरफ्लाइज भी बनी है इस पे और लव लिखा हुआ है। अब जो है बेड के बाजू में चलते हैं। तो बेड के बाजू में जो है एक साइड टेबल रखा हुआ है। साइड टेबल जो है वो मरून कलर में है, उस पर एक वाइट कलर का आर्टिफिशियल ड्रॉवर है, मतलब वो सिर्फ शो के लिए है, खुलता नहीं है। और ये वाइट कलर के कुछ ऐसी डिटेल की है। और साइड टेबल के ऊपर जो है ये प्यारा सा लैम्प रखा है। पिछले वाले बारबी के रूम में भी यही लैम्प था, मैंने इसको बदला नहीं है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये वैसे डॉल के लिए मैंने ही बनाया है। लैंप के बाजू में एक छोटा सा शोपीस रखा हुआ है फ्लावर वाला डॉल का। तो ये तो हो गया हमारा साइड टेबल। अब हम चलते हैं डॉल की स्टडी टेबल की ओर। सो फ्रेंड्स, साइड टेबल के बाजू में जो है डॉल का स्टडी टेबल है, जैसा आप देख सकते हैं, जो कि पिंक और मरून कलर में है। मरून कलर की उसके बॉर्डर है और बाकी पूरा पिंक कलर में है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो टेबल पे जो है एक छोटा सा शोपीस रखा हुआ है फ्लावर का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए रोज़ फ्लावर का एक छोटा सा वास है, और उसके आगे डॉल का एक छोटा सा कार्ड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड वहाँ पे छोटा सा फ्लैग रखा हुआ है। एंड फ्लैग के बाजू में जो है डॉल का ये परफ्यूम रखा हुआ है, जो कि मैंने ही बनाया है डॉल के लिए। एंड बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगता है। परफ्यूम के बाजू में जो है एक पेंसिल स्टैंड है, जिसमें बहुत सारे पेंसिल पेन वगैरह सब रखे हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हर कलर में पेंसिल है, पेन भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है डॉल के बुक्स रखे हुए हैं। तो इनमें से एक बुक जो है वो पोनी का है, जैसा आप देख सकते हैं, डार्क ब्लू और पिंक कलर में है। और इसके अंदर जो है पेजेस भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है डॉल का एक पर्सनल डायरी है, और ये एक और बार्बी डॉल का पोनी वाला नोटबुक है। तो जैसा आप देख सकते हैं बुक्स के अंदर रियल के पेजेस भी है। तो चलिए बुक्स को उनके जगह पे रख देते हैं। तो ये तो हमने डॉल का स्टडी टेबल बढ़िया से देख लिया है। स्टडी टेबल के नीचे जो है एक चौक रखा हुआ है ब्लू वाला। तो ये तो हो गया हमारा स्टडी टेबल। और जब डॉल को पढ़ाई करनी रहती है तो वो टेबल को इस साइड रख के बेड पे बैठ के पढ़ाई करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में एक दो चेयर रखे हुए हैं वाइट कलर के, और उसके ऊपर जो है ये क्यूट सा टेडी बियर है। चलिए टेडी बियर को रख देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये बच्चों का चेयर है, बार्बी के बच्चों का। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है एक डॉल का पॉपिट रखा हुआ है, इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने किया था, तो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और पॉपिट के ऊपर मैंने ऐसे रख दिया था पॉपिट, थोड़ा अच्छा ऐसा डिज़ाइन लगता है। और उसके ऊपर एक डॉल का छोटा पर्स है और एक प्लांट है। अब मैं आपको ये एरिया दिखाती हूँ जो कि डॉल के ज्वेलरी से एकदम फुल हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो नीचे जो है पहले एक ड्रॉवर है, मैं आपको वो पहले खोल के दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर डॉल के छोटे छोटे से सामान रखे हुए हैं, कुछ मेकअप के सामान हैं। तो ये डॉल का जो है मेकअप किट रखा है, बहुत छोटा सा एकदम। और यहाँ पे एक ब्रश है, एक रबर है बाल बांधने के लिए, एक लिपस्टिक रखी हुई है,
कुछ हेयर क्लिप्स हैं हार्ट शेप के, सर्कल शेप के भी है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे काजल है डॉल का, बहुत सारे छोटे छोटे से चीज़ रखे हुए हैं। चलिए अब हम इसको बंद करके यहाँ पे रख देते हैं तब तक, और मैं आपको ये वाला जो टेबल है इसे दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये टेबल जो है पूरा ज्वेलरी से भर गया है। इस पर कुछ क्लिप्स भी रखे हुए हैं, क्लचर्स रखे हुए हैं, ये गोल्ड का ब्रेसलेट है डॉल का, फिर ये बड़ी सी जो है डॉल की नेकलेस है सिल्वर की, और एक लॉकेट भी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए बारबी के लोगों का लॉकेट है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड बहुत रेयर भी है, जैसा आप देख सकते हैं। चलिए हम लॉकेट को वापस से रख देते हैं। और ये क्लचर है दो, ब्लू और ऑरेंज कलर में रबर बैंड लॉकेट, और ये झुमका, बाली, फिर नेकलेस, गहने सब रखे हुए हैं डॉल के, माले भी रखे हुए हैं, मोती के सारे चीज़ हैं। तो ये पूरा मैंने डॉल का ज्वेलरी का टेबल ही बना दिया था, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी जमा हो गई थी, तो मैंने पूरा टेबल बना दिया इसका पर्टिकुलर, और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसे चार पैर भी हैं इसके, और ये वाइट कलर में है जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैंने आप सबको जो है ये वाला टेबल दिखा दिया, और इसके आगे पॉपिट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, तो चलिए थोड़ा सा पॉप कर लेते हैं, मज़ा आएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब तो ऐसे कुछ रह नहीं गया है, सिर्फ टाइल्स रह गई है, नीचे वाला टाइल्स और कुछ साइड साइड की दीवारें हैं, वो सब दिखा देती हूँ मैं आपको जल्दी से। तो फ्लोर पे जो है मैंने ये ब्लू कलर का फ्लावर और लीव्स का रंग बिछा दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बाकी आगे से लेके ऊपर तक जो है वाइट कलर का वॉलपेपर है। इस पर बहुत सारे पिंक कलर के क्यूट क्यूट डिज़ाइंस बने हुए हैं, वेल, डॉल्फिन ये सब वगैरह, और अम्ब्रेला सब है। और इस साइड की दीवार जो है वो मरून कलर की है, और इस साइड की दीवार भी मरून कलर की है। ओ हाँ फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि डॉल का जो अलमीरा है वो कहाँ पे है, तो वो ऊपर वाले रूम में है, तो नीचे जगह नहीं बची थी तो मैंने ऐसे ऊपर रख दिया डॉल का ये अलमीरा। और अलमीरा के ऊपर कुछ ऐसे ही छोटे मोटे सामान, क्लचर, कंघी, बैग, पर्स, यहाँ पे शॉपिंग बैग, ये डॉल का बहुत सारा सैंडल, प्लांट, चेयर, सोफ़ा, तो एक तरह से आप गेस्ट रूम भी समझ सकते हैं एंड क्लोथिंग रूम भी समझ सकते हैं। तो कभी गेस्ट आते हैं तो यही रूम में बैठ जाते हैं। तो ये रूम वैसे मेरा बहुत ज़्यादा पुराना रूम है, आप सबने पहले भी देखा होगा हाउस टूर रूम टूर में। और ये नीचे आ जाता है डॉल का बेडरूम। तो किचन, बाथरूम ये सब तो मैंने बनाया ही नहीं है, सब मुझे बनाना है, फिर मैं हाउस टूर लाऊँगी। वैसे फ्रेंड्स, डॉल का ये जो रूम है इसे कैसे बनाते हैं मैंने वो भी DIY डाला है मेरे चैनल पे, और अगर आप सब ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जल्दी से जाके देख लीजिए, फिर आप भी अपने डॉल के लिए रूम बना पाएंगे एकदम आसानी से। तो दोस्तों, हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं एंड आप देखते भी नहीं हो। हमें वीडियो शूट करने से ज़्यादा एडिट करने में टाइम लगता है, शूट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर आप सब देखते ही नहीं हो, एंड देखते हो तो आधे पे छोड़ के चले जाते हो, तो ये क्या बात हुई। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को पूरा पूरा देखिए, एंड पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ 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 हमारे चैनल क्रिएटिव डॉल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक की थी हमारी ये आज की वीडियो हाउस टूर वाली। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड जैसे मैंने आपको बोला हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो से नोटिफाइड रहने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आप सब से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। शायद से नेक्स्ट वीडियो थोड़ी लेट से आए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स भी तो देने हैं ना। बाय।